तो चलिए, वीकेंड का वार के सेट से एक धमाकेदार खबर आ रही है। दरअसल खबर यह है कि इस बार वीकेंड का वार में फैमिली मेंबर जो है हिस्सा लेंगे या फिर फ्रेंड्स आएंगे। हालांकि फैमिली या फ्रेंड्स आए तो वो एपिसोड धमाकेदार अपने आप में हो ही जाता है। और अब ये देखना होगा कि इस हफ्ते कौन कौन आएगा। जहां तक बात है, एल्विश पिछले हफ्ते आया था, लवकेश के साथ उसको नहीं मिलवाया गया था। तो हो सकता है कि लवकेश की फैमिली से कोई आए। विशाल की फैमिली से आ चुके हैं, अरमान की फैमिली से आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि रणवीर के फैमिली से ऑनेस्टली कोई आएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि बाकी बचे सदस्य विशाल के फैमिली से आ चुके हैं। सना मकबूल के लिए उनके फ्रेंड्स आ सकते हैं। साई केतन के लिए जो है शिवांगी आकर गई ही थी, तो मुझे नहीं लगता कि अब शिवांगी या साई के लिए कोई आएगा। और बचे कौन, लवकेश के लिए या फिर शिवानी। शिवानी मुझे लगता है इस हफ्ते एलिमिनेट हो जाएगी। तो क्या सिर्फ लवकेश के लिए कोई आएगा या फिर इस बार सभी के लिए? क्योंकि अगर अरमान के लिए बात करूं तो पायल ने तो आज फैन मीट रखी है। तो अगर उसने आज फैन मीट रखी है तो वीकेंड का वार का वो हिस्सा ऐसे ही नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जहाँ बिग बॉस सर ने इस खबर को कहा है कि परिवार से और फ्रेंड से कोई आ सकता है, वहीं मुझे ये बात थोड़ी सी डाउटफुल इसलिए लग रही है क्योंकि बच्चे कौन हैं। पायल आ नहीं सकती, मुझे नहीं लगता कि शिवानी के गांव से कोई आएगा। अगर आएगा तो शायद उनके जो मैनेजर है, जो उनका काम देखते हैं, वो आ सके। और रणवीर की फैमिली से मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। बचा लवकेश, लवकेश से उसके बड़े भाई आ सकते हैं। और विशाल की फैमिली से पहले ही मम्मी पापा आ गए। या फिर ये लोग ऐसा करेंगे कि सभी के लिए सभी की फैमिली से किसी ना किसी को बुलाए। फैमिली वीक इस बार हुआ नहीं है। अक्सर जो है बिग बॉस में, OTT में की मैं बात कर रही हूँ, पहले सीजन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरे में नहीं हुई थी, और अब तीसरे में कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो इस बार बहुत सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो अब देखना होगा कि इस बार इनकी जो है प्लानिंग क्या है। तो चलिए, आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताइएगा।